की लड़ाई में गांधी को हमें कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि गांधी हिंद स्वराज के माध्यम से सभ्यता के मूलक विमर्श में इस बात को कह रहे थे कि हिंदुस्तान की धरती में मुसलमान और हिंदू एक साथ खड़े हैं, कभी भी दूसरे को बांट करके नहीं देखा जा सकता। ये गांधी की विरासत है जो हिंद स्वराज में कह रहे हैं। और गांधी जैसे नेतृत्व और आगे भगत सिंह और तमाम क्रांतिकारी जवाहरलाल नेहरू, वामपंथी, समाजवादी, ये तमाम लोग मिल करके उस पक्ष में एक जनमानस तैयार किए, जिसके चलते इस देश की आजादी की लड़ाई का यह नारा बन गया कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना है तो हिंदू और मुसलमान का खून एक होना है और हमें एक साथ खड़ा होना है। इस जनमानस की भावना की ताकत थी जिसके बल पर हमारा हिंदुस्तान का संविधान बना। और उसके कुछ समय भी बहुत सी ताकतें उसका विरोध भी कर रही थी, लेकिन हिंदुस्तान की आजादी और हिंदुस्तान की जो राजनीतिक सत्ता थी उसमें इन तमाम जो विघटनकारी ताकतें थी, जो सांप्रदायिक ताकतें थी, ये अल्पमत में थी। और जनता जो है, गांधी, नेहरू, भगत सिंह, तमाम जो वामपंथी और क्रांतिकारी लोग थे, इनके साथ खड़ा होकर के कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे थे, वह राजनीतिक ताकत थी जिसके